हेलो, मैं मम्मा किचन इंडिया मम्मा में आप सबों का स्वागत है। मैं आज शिवरात्रि के अवसर पर फलहारी सब कोई करते हैं, इसलिए मैंने शकरकंद की हलवा बना के दिखाने जा रही हूँ, जिसे बंगला में रांगा आलू बोलते हैं और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। और इसमें ये बहुत सेहतमंद है, ये डायबिटिक रोगी भी खा सकते हैं, ये डायबिटिक वाले भी खा सकते हैं। और इसमें बहुत मात्रा में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे जरूर बना के खाएं। और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, इसमें तो लो कैलोरीज है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा रिच कर दी, क्योंकि अगर ये खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी। तो आप मेरा ये रेसिपी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस के नीचे में एक लाल बटन आएगी, उसे दबाएं तो वो काला हो जाएगी, फिर उस थोड़ा रुक जाइए, फिर एक बेल बटन आएगी, उसे दबाएं तो मेरे सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई सजेशन हो जरूर मुझे बताएं कि मैं अपने को सुधार सकूं, और कोई नई रेसिपीज अगर बोले तो जरूर बना के मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। हाँ, तो चले, मैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शकरकंद का हलवा बनाने चले, रंगा आलू का हलवा बनाने चले। इसके लिए मैंने आलू को शकरकंद को बॉईल करके मैश करके रखी, और इसे बॉईल करने के बाद कुछ देर रख दी। उसके बाद मैंने इसे मैश करके रखी, और इसके लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिया। ये खोवा ली मैं, थोड़ा ऑलमोंड ली, ऑलमोंड बादाम, थोड़ा किशमिश ली, और ये घी है 1 चम्मच मैं ली। अगर ज़रूरत पड़ेगा और भी दे सकते हैं आप, अपना अपना टेस्ट के अनुसार घी डाले। आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच घी ली अभी, और रिफाइंड तेल भी रखी हूँ, और ये थोड़ी दूध है, इसमें मैंने ऑरेंज कलर मिला के रखी, देखने में अच्छा लगेगा। और दालचीनी पाउडर है थोड़ी सी, और इलायची पाउडर है। चीनी भी आप स्वाद अनुसार दे, आप अगर कम चीनी खाए तो कम डाले, ज़्यादा चीनी खाए तो ज़्यादा डाले। मैंने आधा कटोरी ली हूँ, मैंने 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाली और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। पहले मैंने ये बादाम को फ्राई करके, थोड़ा ये गोटा लिया है ऑलमोंड, इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इलायची थोड़ा डाल रही हूँ, गोटा इलायची एक मैं डाल दी, फिर मैं ये शकरकंद को डाल रही हूँ जो बॉईल करके रखी थी मैश करके, इसको मैं डाल दी। इसको पहले मैंने फ्राई कर लूंगी। ये थोड़ी फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें थोड़ा दूध डालूंगी, दूध डालकर भी फ्राई करूंगी, फिर चीनी डालूंगी। थोड़ा सा ऊपर से तेल दे रहे हैं ना। हाँ, अब चाहे जितना तेल में बनाए, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो कम तेल में बनाए, जो जैसे बच्चे खाएंगे तो आप ज्यादा तेल में बना सकते हैं। अब मैं दूध डाल रही हूँ, जिससे मैं ऑरेंज ऑरेंज फूड कलर डाली थी, आप चाहे तो फूड कलर नहीं भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा खोआ डाल दी, खोया
ये जो दालचीनी पाउडर है इसे भी डाल दी मैं। मैं इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ, थोड़ी सी बादाम डाल दी और ऊपर से थोड़ा सा मैं डालूंगी, डाल दी मैं। ये इलायची पाउडर आपने डाला? हाँ। अच्छा, लगता है कि लगभग तैयार हो चुका है। जस्ट लाइक पुडिंग। हाँ, तो ये शकरकंद का हलवा आपको कैसा लगा? शिवरात्रि में आप जरूर बना के खाए जो फलाहारी करते हैं। और इसमें तो बहुत लो कैलोरीज है, लेकिन मैंने रिच बना दी कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। हाँ, तो ये अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के लिए मुझे ये वीडियो के नीचे में एक लाल बटन आएगी, सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसे आप जरूर दबाएं। उसको दबाने से वो काला हो जाएगा, फिर कुछ देर रुक जाइए, बेल बटन आएगा तो उसे दबाएं, तो आपको मेरा सारे रेसिपीज का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और आप भी मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो आप लाइक भी करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और कोई सजेशन हो कि मैं अपना गलती सुधार सकूं, या कोई नया रेसिपीज हो आप अगर बताएं तो मैं ज़रूर बना के दिखाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सेहतमंद रहें, अच्छे से शिवरात्रि मनाएं फलाहारी करके।